मैनपुरी के थाना करहल पुलिस और बदमाश के बीच हुई मुठभेड़, जिसमें एक छात्र चोर के पैर में पुलिस की गोली लगी। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार बदमाश को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है और उससे पूछताछ जारी है। बता दें, यह जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें करहल क्षेत्र में हुई बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़ की मौके की तस्वीरें हैं। बता दें, दिनांक 1 मार्च के दिन समय करीब रात्रि 1:30 बजे थाना क्षेत्र के अंतर्गत बुझिया नहर पुल पर थाना पुलिस टीम चेकिंग कर रही थी। तभी चेकिंग के दौरान एक मोटरसाइकिल पर 2 लोग आते हुए दिखाई दिए, जिससे पुलिस पार्टी ने रोकने का प्रयास किया तो बाइक सवार पुलिस को ही चकमा देकर भागने की कोशिश करने लगे। पुलिस पर फायरिंग करने लगे, जिस पर पुलिस ने चारों तरफ से घेराबंदी कर आत्मरक्षार्थ में जवाबी फायरिंग की तो एक बदमाश के पैर में गोली लग गई और घायल होकर गिर पड़ा। पुलिस के द्वारा बदमाश को घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया गया और जब पुलिस ने घायल व्यक्ति से पूछताछ की तो उसने अपना नाम शिवम पुत्र जवर सिंह निवासी नगला कैल थाना एलाऊ और दूसरे ने अपना नाम पिंटू पुत्र इंद्रपाल निवासी नगला कैल थाना एलाऊ बताया। जानकारी यह भी मिली है कि शिवम पर 15,000 और पिंटू पर 10,000 का इनाम भी घोषित था। पूछताछ में दोनों ने यह भी बताया कि हाल ही में दिनांक 9 फरवरी के दिन थाना करहल क्षेत्र के अंतर्गत दुमिला बॉर्डर से एक स्कूटी सवार व्यक्ति के बैग से 1,00,000 रुपए की चोरी करके भाग गए थे। अभियुक्तों उपरोक्त चोरी की घटना की स्वीकार की तो पुलिस ने उनके कब्जे से 2 तमंचा, 2 जिंदा और 4 खोखा कारतूस और घटना में प्रयुक्त स्प्लेंडर मोटरसाइकिल बरामद की। अभियुक्तों के आपराधिक इतिहास के बारे में विस्तृत पूछताछ की जा रही है। फिलहाल मुठभेड़ की सूचना मिलते ही मौके पर अपर पुलिस अधीक्षक रूरल अनिल कुमार, क्षेत्राधिकारी संतोष कुमार पहुंच गए। अपर पुलिस अधीक्षक रूरल अनिल कुमार ने मुठभेड़ के बारे में जानकारी देते हुए क्या कुछ बताया, सुनिए। आज सर जो घटना हुई है उसके बारे में बताएं। आज रात 1:30 बजे करहल पुलिस द्वारा रोड जाने वाले पुलिया पे चेकिंग की जा रही थी। सामने से 2 मोटरसाइकिल सवार आते हुए दिखाई दिए। पुलिस ने जब रोकने की कोशिश की तो उन्होंने भागना शुरू कर दिया। जब पीछा किया तो भागने वाले लोगों ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस द्वारा जवाबी फायरिंग में एक व्यक्ति जिसका नाम शिवम सनाब जबर सिंह निवासी कैल एलायू का रहने वाला है, वो घायल हुआ तथा कामिंग के बाद दूसरा व्यक्ति पिंटू सनाब इंद्रपाल निवासी कैल एलआई को रहने वाला गिरफ्तार किया गया। ये दोनों अभियुक्त 9/2/24 को करहल थाने में एक टप्पेबाजी में शामिल थे। अब वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।